Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. सबसे पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं गिव अवे कंटेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ. इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए और फेसबुक का पेज लाइक कीजिए जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपने फेसबुक पर मेरी इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड्स को टैग कर शेयर कीजिए विद हैशटैग सानवी शर्मा. अपने इंस्टाग्राम पर मेरी इस वीडियो की स्टोरी डालकर मुझे टैग कीजिए. इस कंटेस्ट का रिजल्ट मैं 2 अप्रैल 2021 को अनाउंस करूंगी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर. इसमें 3 विनर्स अनाउंस होंगे. 2 को फ्री लॉन्ग लव रीडिंग मिलेगी और 1 को हीलिंग फॉर देयर रिलेशनशिप मिलेगी. सो डू पार्टिसिपेट. आई वॉन्ट ऑल माई यूट्यूब सब्सक्राइबर्स टू पार्टिसिपेट, माई यूट्यूब फैमिली टू पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे कंटेस्ट, ताकि आप अपने लिए फ्री लॉन्ग लव रीडिंग और हीलिंग जीत सकें. सो कमिंग टूवर्ड्स दिस वीडियो, आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके इस रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आएंगे. तो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट 7 डेज. तो यहाँ पर आपके पास आज पाइल सिलेक्शन के लिए ये आपकी बर्थ डेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पाइल को चूज करेंगे. दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2. तो दोनों पाइल्स को बड़े ध्यान से देखिए. जो भी आपकी बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग आप पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं. सो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज किया है, लेट्स सी कि क्या चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपके रिलेशनशिप में. लेट्स सी. सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, व्हाट आर द चेंजेस इन द एनिवर्सरी, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे नेक्स्ट 7 डेज में, आपके पार्टनर की एनिवर्सरी में क्या चेंजेस होंगे, वो क्या सोचने वाले हैं इस रिलेशनशिप के बारे में. ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है. ये रीडिंग सभी जॉडिक साइंस के लिए है. जो लोग कम कम्युनिकेशन में हैं उनके लिए भी है. तो ये रीडिंग ऑलमोस्ट सबके लिए वैलिड है. तो आप देख सकते हैं. सो क्या चेंजेस आने वाले. फर्स्ट इज 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड. ओके, व्हाट एल्स. 5 ऑफ कैलिसेस. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द ग्रीन मैन का कार्ड है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक विद 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो लेट्स सी विद दीज कार्ड्स क्या चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे. लेट्स सी. हार्मनी, ब्यूटिफुल कार्ड. ओके, वॉट एल्स. चूज वाइजली. ओके, ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है. फाउंडेशन एंड अचीवमेंट. वॉट एल्स. हार्टटेक एंड लॉस का कार्ड है. पेशेंस का कार्ड है. एंड थर्ड आई चक्र का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर. ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर काफी अकेलापन फील करने वाले हैं अगले 7 दिनों में. उन्हें अपनी जिंदगी में आपके सिवा अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज्यादा उदास हैं. वो जो मोमेंट्स उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए उनके बारे में सोच रहे हैं. आपके पार्टनर अंदर से बहुत ही ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं. वो एक्चुअली इस जर्नी से कहीं ना कहीं थक चुके हैं. अगले 7 दिनों में वो
इसी एनर्जी में कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ कैलसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि जिंदगी के अंदर अब वो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, जो कुछ उनके पास है वो कहीं ना कहीं वो खो चुके हैं। उन्हें ऐसा एहसास होगा, उन्हें अपनी गलती की रियलाइजेशन डेफिनेटली यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर काफ़ी यहाँ पर मुझे डिफेंसिव भी लग रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को, आपके साथ जो उनके रिलेशनशिप को लेकर वो काफ़ी डिफेंसिव रहने वाले हैं। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, वो जितनी चीज़ें हैं उन्हें बचाने के बारे में सोचने वाले हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर पजेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर यहां पर इस रिलेशनशिप में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस रिश्ते में अगले 7 दिनों में कुछ ना कुछ एफर्ट जरूर डालने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करें, वो आपको व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी सोशल नेटवर्क साइट के थ्रू आपको कांटेक्ट करें, मैसेज करेंगे, शायद डिलीट कर देंगे वो मैसेज को। आप अगर ब्लॉक्ड हैं तो आपको अनब्लॉक करने के यहाँ पर काफ़ी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। द ग्रीन मैन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में अबंडेंस की एनर्जीज में एंटर करना चाहते हैं। वो एक ऐसा वक्त चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली जी पाए, खुलकर जी पाए। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आपके पार्टनर उन एनर्जी से बाहर निकलकर एक शांति का माहौल चाहते हैं। कई बार इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसके लिए ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कि कब तक वो ऐसे ही अपने ऑब्स्टिकल से, अपने चैलेंजेस से लड़ता रहेगा। ओके, तो आपके पार्टनर ना अब इस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन से फटाफट बाहर निकल जाएं। वो 7 दिनों के अंदर एक ऐसी कोशिश करने वाले हैं जहां पर वो आपको एक स्टेबिलिटी सा प्रपोजल देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर डर होगा कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। उनके अंदर ये डर रहने वाला है। अगर बात भी करेंगे तो हाय हेलो जैसी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपनी बातों को खुलकर आपके सामने नहीं रखेंगे। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, ये आप उनके बात करने के तरीके से महसूस कर पाएंगे। अगले 7 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस इस रिलेशनशिप में लग रहे हैं। आपके पार्टनर अंदर से इमोशनली सिर्फ आपके साथ अपने कनेक्शन को फील करते हैं, वो ये जज्बातों का एक कप आपको देना चाहते हैं। उनके अंदर जितना कुछ चल रहा है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगले 7 दिनों के अंदर वो एक ऐसी कोशिश करने वाले हैं, वो इस रिलेशनशिप में आपको एक स्टेबल सम एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपनी बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आप उनकी बातों को कहीं ना कहीं समझेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी उन्होंने गड़बड़ की है उस चीज़ को लेकर काफ़ी बर्डन्ड फील करने वाले हैं। वो अपनी गलती कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रियलाइज करके टूट चुके हैं। आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं अभी फ़िलहाल में, लेकिन वो आपको चेज़ करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर पूरी लॉयल्टी के साथ आपके सामने अपनी बात को रखने वाले हैं, तो उनके ऊपर शक मत कीजिएगा। अगर इन 7 दिनों के अंदर आपके पार्टनर आपके से कोई भी बात करते हैं तो उन्हें कम से कम इतना मौका दीजिएगा ताकि वो अपने दिल की बात खुलकर आपके सामने रख पाएं। द कार्ड ओवर हियर इज हार्मनी का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं। वो यूनियन सिर्फ ऐसा दिखावे का यूनियन नहीं चाहते हैं। अगले 7 दिनों में वो कहीं ना कहीं आपके साथ सोल टू सोल का कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये चेंजेस इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं। आपके पार्टनर ने आपको चूज़ कर लिया है, और जिनके पार्टनर ने अभी तक उन्हें चूज़ नहीं किया है तो अगले 7 दिनों में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको चूज़ करने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी में अब अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो सिर्फ आप हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी तरफ अगर वो बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। उनको पता है कि ज़िंदगी आपके साथ ही खुशी खुशी वो बिता पाएंगे। अदरवाइज़ जिस सिचुएशन में आज वो हैं वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। आपके पार्टनर की पूरी कोशिश होगी कि जिस भी ऑब्स्टिकल में, जिस भी चैलेंज में वो फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से निकलकर
आप तक अपनी बात को पहुंचाएं और उस रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल कर पाएं, क्योंकि अब आपके पार्टनर एक बहुत ही गहरी नींव रखना चाहते हैं, एक बहुत ही स्टेबल नींव रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, जहां पर अब कोई भी आंधी तूफान आ जाए इस रिलेशनशिप को ना हिला पाए। इन 7 दिनों में आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है और आपके पार्टनर एक ऐसा घर परिवार आपके साथ बनाना चाहते हैं, एक ऐसा रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं जहां पर वो रेनबो की एनर्जीज़ को आपके साथ एंजॉय कर पाएं। लेकिन एक डर भी है उनके अंदर, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप उन्हें मना कर देंगे, आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की एनर्जी में नहीं एंटर करेंगे। ये डर है उन्हें, वो ऑलरेडी अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, इस डर की एनर्जी की वजह से वो और ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर उन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे यहाँ पर, और जिनके कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे वो कहीं ना कहीं इस हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जी में है, इस वजह से नहीं करेंगे। तो थोड़ा डिले है, पेशेंस की ज़रूरत है। आपके पार्टनर भी बहुत पेशेंटली आपसे बात करने वाले हैं, आप भी थोड़ा पेशेंस रखिएगा इस रिलेशनशिप में। ये पेशेंस ही है जो आपके रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है। अगर यहाँ पर आपने पेशेंस अपना लूज़ कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को दोबारा से स्टैंड करने में बहुत टाइम लग जाएगा इस रिलेशनशिप को। तो थोड़ा पेशेंटली उनके साथ डील कीजिएगा। और हो सकता है कई लोगों के पार्टनर उन्हें कांटेक्ट ना करें, और जिनके पार्टनर उन्हें कांटेक्ट नहीं करने वाले, ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर वो थोड़ा पेशेंस बनाए हुए हैं, क्योंकि कई लोगों के जो पार्टनर हैं उनके ऊपर ये जो फियर की एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा है। बट ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रही है। 3rd eye chakra का कार्ड है। आपके पार्टनर को हर एक चीज़ की अवेकनिंग हो गई है। जो सिचुएशन उन्होंने देखी है, जो डिफीट देखे हैं, जिस तरह से वो इन ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए आपकी तरफ को आ रहे हैं, वो काफ़ी इनलाइटेंड और काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। अगले 7 दिनों में वो अपनी सूझबूझ से काम लेने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा पेशेंटली उनके साथ रहिएगा। अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं तो किसी आर्ग्यूमेंट पे एंटर करने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। सो आप कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर एटलीस्ट क्या कहना चाहते हैं आपको, कुछ देखते हैं कुछ मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो वादा उन्होंने आपके साथ किया है वो वादा वो निभाएंगे। यहाँ मनी का कार्ड है, ये इंडिकेट कर रहा है आई एम रिग्रेटिंग माई मिस्टेक। उन्हें अपनी गलती का एहसास है और वो रिग्रेट की एनर्जी में है, डेफिनेटली है। यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। आपके पार्टनर की सोल आपसे ये कह रही है कि आप उनके दिल में बसते हैं। My life turned hell without you. आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन है कि उनकी जिंदगी नर्क बन गई है आपके बिना। What else? Karma is coming back to me. आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तभी उनके साथ ये सब कुछ गलत हुआ है। I am getting enlightened. Definitely उनकी enlightenment हो रही है। What else? I don't want to enter into any relationship. आपके पार्टनर किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी गलती को मान रहे हैं कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए, अब वो किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। वो सिर्फ आपको अपने लिए परफेक्ट मानते हैं। वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं। वॉट एल्स? I am incomplete without you. बहुत ही beautiful messages हैं। आपके partner की soul भी इस बात की गवाही दे रही है कि आपके partner अब सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। So I hope जिन्होंने pile number 1 select किया है उन्हें मेरी reading पसंद आई हो। नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो विद योर नियर एंड डियर वंस। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं।
ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। नेक्स्ट 7 डेज में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये सभी जोडिक साइंस के लिए है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। ऑलमोस्ट हर तरह का रिलेशनशिप जिसमें थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी, टाइमलेस रीडिंग है अगले 7 दिनों में क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। द स्टैंडिंग स्टोन, ओके, व्हाट एल्स, एस ऑफ कैलिसेस, ओके, व्हाट एल्स, द लॉर्ड ऑफ शैडोज, ओके, द अर्थ मदर का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द सिथ, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, ओके। सो लेट्स सी विद दिस डेक अगले 7 दिनों में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस होने वाले हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड, पैशन इग्नाइटेड, ओके, फर्म फाउंडेशन, इंट्यूशन, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस, व्हाट एल्स, चूज वाइजली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके इस रिलेशनशिप में कुछ खास चेंजेस नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका ये रिलेशनशिप जिस पोजिशन पर है वहीं पर ही हैंग रहने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, बहुत बुरी तरह से वो अटके हुए हैं। ये रिलेशनशिप एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन पर है, जैसे कि एक स्टोन खड़ा है, बस उसी तरह से ये रिलेशनशिप भी खड़ा है, बैलेंस की वेट कर रहा है। लेकिन इस रिलेशनशिप में अगले 7 दिन में भी कोई बैलेंस अचीव होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल फील करने वाले हैं, वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, वो इस साइकिल से निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर इमोशनली कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहे हैं, उनके इमोशनल लॉस वाली जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है और अगले 7 दिनों के अंदर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रेन्ड फील करने वाले हैं, ओके। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज, आपके इस रिश्ते के ऊपर थर्ड पार्टी की नज़र बनी हुई है। यहाँ पर थर्ड पार्टी काफ़ी हावी है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, ओके, और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को अभी आप तक पहुँचने नहीं देना चाहती है। जिन लोगों का हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। लेकिन अगले 7 दिन तक आपके लिए भी ये सिचुएशन थोड़ी सी बनी हुई है कि इस थर्ड पार्टी की नज़र कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पर बनी हुई है, ओके। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द अर्थ मदर का कार्ड है। आपके पार्टनर अबंडेंस की एनर्जीज में जाना चाहेंगे अगले 7 दिनों में। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप तक उनकी ये जो पुकार है वो पहुंच जाए, आप उनकी बात को समझ पाएं। वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वो बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, उनके दुख का कोई अंत नहीं है, वो
इसी दुख की एनर्जीज में अगले 7 दिनों में रहने वाले हैं। आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, हर हालत में इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से फ्रेम करने नहीं दे रही है। आपके पार्टनर जब भी कोई मूवमेंट करने लगते हैं, कोई भी डिसीजन बनाने लगते हैं, तो इस थर्ड पार्टी की नज़र आपके पार्टनर के ऊपर बनी रहती है और उनके जितने भी एफर्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। देखिए इस बगुले ने कैसे इस मछली को अपने चोंच में दबाया हुआ है। सेम वे आपके पार्टनर इसी तरह से इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं और अगले 7 दिन के अंदर ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करने वाली है कि आपके पार्टनर को कहीं आपकी याद ही ना आए। यहाँ पर ब्लैक मैजिक की सिचुएशन बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसा मैजिकल कुछ करने वाली है ये थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर को जो ये थोड़ी बहुत होश भी आई है तो ये थर्ड पार्टी दोबारा से प्रोमिनेंट हो जाए और आपके पार्टनर की जो अवेयरनेस की स्थिति बनी है वो वापस से ख़राब हो जाए और आपके पार्टनर दोबारा से लोअर एनर्जीज़ के अंदर चले जाएं। ये इस थर्ड पार्टी की कोशिश रहने वाली है अगले 7 दिनों के अंदर। 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आपके पार्टनर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, उनको रातों को नींद नहीं आती है, वो रातों को रोने वाले हैं कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं और चाहकर भी वो इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट है। देखिए कार्ड्स खुद ब खुद ये सारी चीज़ें डिपिक्ट कर रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। अगले 7 दिनों में आपके पार्टनर चाहेंगे कि उनकी स्थिति में कुछ सुधार हो, वो इस सिचुएशन से निकलें, चीज़ें थोड़ी फास्ट एंड अप हों, लेकिन ये सिर्फ उनकी उम्मीद ही है। ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर ये जज्बा है कि वो अपनी सारी बातों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपके पार्टनर किस पेन से गुजर रहे हैं इस बात का एहसास अगर आप अपने पार्टनर के साथ सच में हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं आपको होता होगा। आप अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, लेकिन यहाँ पर वो खुद विक्टिमाइज्ड हैं। आपके पार्टनर ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पर ये थर्ड पार्टी उन्हें इस सिचुएशन से निकलने ही नहीं दे रही है, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा है, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके ऑब्स्टेकल्स को और ज़्यादा फॉर्म ये थर्ड पार्टी करती जा रही है। आपके पार्टनर जितना बुलंद खुद को करते हैं उतनी ही इफ़ेक्टिव तरीके से ये थर्ड पार्टी उनको तोड़ती है। आपके पार्टनर कहीं पर अपने जज्बातों को बिल्कुल कंट्रोल करते हैं और उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, वहीं इस थर्ड पार्टी के एक मूव से आपके पार्टनर के सारे मूव्स ख़राब हो जाते हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली इस बात का एहसास डेफिनेटली हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि जिससे आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है, आपके पार्टनर की हेल्थ इफेक्ट हो रही है, और अगले 7 दिनों के अंदर भी आपके पार्टनर की ये इंट्यूशन और ज़्यादा गहरी होती जाएगी, क्योंकि जो इस थर्ड पार्टी के मूव हैं वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को शक के दायरे में लेकर आ रहे हैं। मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस, आपके पार्टनर अगले 7 दिनों में कुछ डिसीजंस बनाने की कोशिश करेंगे, मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनके मूवमेंट सक्सेसफुल होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न ही ये है क्योंकि कहते हैं थोड़े से एफर्ट्स आपके पार्टनर लगाते हैं और उससे डबल एफर्ट ये थर्ड पार्टी लगाती है आपके पार्टनर को दोबारा से उसी स्थिति में लाने के लिए। ठीक है, 100 सुनार की 1 लोहार की। आपके पार्टनर उस सुनार का रोल अदा कर रहे हैं और 1 लोहार की जो है वो ये थर्ड पार्टी कर रही है। एक एफर्ट इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के सारे एफर्ट्स को ख़राब कर देता है।
और अगले 7 दिन में भी यही स्थिति बनी हुई है। चूज़ वाइजली का कार्ड है, आपके पार्टनर इन 7 दिनों में आप तक पहुंचने की जो डायरेक्शन है उसको चूज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाएंगे, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पर स्थिति उस तरह की नहीं है, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन की एनर्जीज में हैं। आपके पार्टनर हाथ पाँव मारते हैं सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अगले 7 दिन उनके बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा एंशियस गुजरने वाले हैं। ऑलरेडी अभी नो मून की सिचुएशन रही है, तो अब थोड़ा सा एनर्जीज और डाउन जाने वाली हैं। आपके पार्टनर हेल्थ वाइज भी ज़्यादा सफ़र करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, आपके पार्टनर फिर इस धैर्य को अपनाएंगे अगले 7 दिनों में, और आपको भी अपनाना पड़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प नहीं करना चाहते हैं तो पेशेंस रखिए, क्योंकि इस तरह से आपके पार्टनर इस सिचुएशन से इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। मैं तो ये मानती हूँ कि जो ये सिचुएशन है अगर वो रिपीटेडली होती जा रही है तो कब तक ये पेशेंस वो भी रख पाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी गिव अप कर देंगे और आपका रिलेशनशिप यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर आप अपने पार्टनर की हेल्प नहीं करेंगे। आपको आपके पार्टनर को हील करने की ज़रूरत है अगले 7 दिनों में भी। वो अपनी तरफ से तो एफर्ट्स लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स यहाँ पर कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, आपके पार्टनर के एफर्ट्स को ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ख़त्म करती जा रही है। सो अपने पार्टनर को हील कीजिए, उनकी हीलिंग करवाइए, उनकी रीडिंग लीजिए, ताकि आपको पता लग सके कि कहाँ कहाँ पर बारीकी है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, हर किसी की पर्सनल सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो पहले रीडिंग लीजिए फिर हीलिंग लीजिए। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको अपनी रीडिंग और हीलिंग करवानी है तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं, पहले रीडिंग होगी। मैं दोबारा से प्रोमिनेंटली बात कर रही हूँ क्योंकि हर किसी की पर्सनल सिचुएशन डिफरेंट होती है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपको अपने पार्टनर की रीडिंग और हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, लेट्स सी दैट। वो क्या कहना चाहते हैं आपसे? ओके, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन। अब तो आपके पार्टनर की सोल ही आपसे क्लियरली बोलने लगी है कि आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। वो आपसे बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, वो जल्दी आपके पास आएंगे। ये टाइम डिले कितना चलेगा ये तो उनकी ब्लॉकेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बदल रहा हूँ वो भी अच्छे के लिए। आपके पार्टनर जो भी डायरेक्शन ऑप्ट करते हैं उन्हें लगता है कि अब वो इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, लेकिन वो बदलते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी दोबारा से उन्हें इन्फ्लुएंस कर देती है। आई कांट लिव विदाउट यू, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। सो व्हाट एल्स, आई विल कनेक्ट विद यू सून। अब यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपके हैं। ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपके पार्टनर कोई लड़की है तो वो भी आपसे यही कह रही हैं कि वो सिर्फ आपकी हैं। इफ़ आई कुड होल्ड यू क्लोज अगेन आई वुड नेवर लेट यू गो। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें ज़िंदगी एक मौका देगी आपको दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आ सकें, तो वो आपको कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे। वॉट एल्स, डिस्टेंस मीन्स सो लिटल वेन समवन मीन्स सो मच। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आप दूर रहकर भी उनके बहुत करीब हैं। आप दोनों के रिश्ते के अंदर ये डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है। मैं स्टक हूँ, इस सबसे बाहर निकलना चाहता हूँ। डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से स्टक है, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं, आई एम लॉस्ट एंड आई नो आई एम रॉन्ग। आपके पार्टनर लॉस्ट हैं, डेफिनेटली उनकी एनर्जी से भी दिख रहा है कि वो लॉस्ट हैं और उन्हें पता है कि वो गलत है। ओके, व्हाट एल्स, तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। उनकी सोल चीख चीख के बोल रही है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तुम जान हो मेरी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी जान हैं, उनके सांस
आप में बसती है, उनकी जान आप में बसती है, तो आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पाएंगे। सो आप प्लीज़ अपने पार्टनर की हेल्प कीजिए अगर आप उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। सो पाइल नंबर टू पीपल, आपके पार्टनर को रीडिंग और हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो पाइल नंबर टू पीपल, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।